नाम तक नहीं लेता मेरा वो। आपसे तुम कहने मिल रहे चाहते बहुत फासले में आए तुम। तुम ये फासला ख़त्म करना चाहती हो? यार मैं बस उसके साथ रहना चाहती हूँ, फिर चाहे वो जैसे मर्जी रहे मेरे साथ। मन जोगी 3 अगस्त से हफ्ता शब 8 बजे। अगर उसे फोटो शूट करना था तो कोई प्राइवेट प्लेस अरेंज करता, इस तरह से स्टेज पे सबके सामने उल्टी सीधी हरकतें नहीं करता। चलो माना तुम दोनों की लव मैरिज हो रही, लेकिन उसका इजहार करने के लिए स्टेज पे आना जरूरी था। तुम मतलब तुम फैमिली वैल्यूज को अच्छी तरह से जानते हो। भाई अगर तू ट्रीट देने पर राजी हो ही गया तो ये सब पुरानी बातें करके मेरा मूड तो नहीं खराब करना कम से कम। इसमें मूड खराब करने वाली कौन सी बात है? मैंने कुछ गलत कहा है? बताओ। जासन ने तो कसम खाई अपनी गलती ना मानने की। चलो अगर हिसार को गुस्सा आ ही गया था तो तुम तो अपना गुस्सा कंट्रोल करते ना। ऊपर से चाचा लो अब तुम भी शुरू हो गई। नहीं बोलो बोलो, और कुछ रहता है तो वो भी बोल दो। जो तो समझ नहीं आ रहा कि इधर तुम लोग मुझे ट्रीट देने आए हो या फिर मेरी डांट टपट का सेशन लगाने आए हो। जलील करने अब ऑर्डर दें कि नहीं? अब तुम्हें अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। ये जो एक्स मंगेतर होती है ना, ये घर में पल्ले सांप की तरह होती है, मौका मिलते ही डस लेगी। भाभी की कॉल आ रही है। हेलो हेलो नाया, कहाँ हो तुम? कब तक फ्री हो रही हो? भाभी मुझे तो टाइम लग जाएगा, लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं? वो मैं इसलिए पूछ रही थी कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी के पास से गुजर रही थी तो सोचा तुम्हें पिक कर लूं, पर ना अहमद को आना पड़ेगा इतनी दूर। नहीं मुझे तो टाइम लग जाएगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम, भाभी आरिफ बात कर रहा हूँ। अनाया मेरे साथ है, कुछ इसको बातें समझानी थी तो आप चली जाए, मैं इसे ड्रॉप कर दूंगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। ओके बाय। अजीब चक्कर है भाई इस लड़की का, मेरी तो समझ से बाहर है। इनकार करने के बावजूद भी आरिफ को अपने पीछे लगा के रखा है अभी तक। एक तो मुझे ये रहमा भाभी की बिल्कुल नहीं समझ में आती, ऐसे लगता है किसी ने जासूस छोड़ा हुआ है हमारे पीछे, साये की तरह हर वक्त पीछा करती रहती है यार। इसीलिए मैंने फोन ले लिया था ताकि उन्हें पता चले कि तुम अपनी मर्जी से भी कहीं आ जा सकती हो, और फौरन से इस तरह घबरा मत जाया कर। चलो भाई कुछ ऑर्डर करते हैं हम। एक्सक्यूज मी, उल्फत शुक्र है कि तुम भी नेक्सी से बाहर निकली। अरे नेक्सी तो इसलिए अरेंज की थी कि तुम इजी रहो, ये तो नहीं कि वहां तक महदूद रहो। बस भाभी छोटे मोटे कामों में वक्त का पता ही नहीं चलता। आंटी अम्मी का फोकस आजकल सोशल होने के बजाय मेरी जॉब पे है, इसलिए बस हर वक्त तस्बीह हाथ पड़ती रहती है। जॉब की फिक्र नहीं करो बेटा, मेरी आरिफ से बात हो गई है, बहुत जल्द तुम्हें अपॉइंटमेंट मिल जाएगा इंशाल्लाह। अरे भाई साहब बहुत शुक्रिया आपका, बस अल्लाह से यही दुआ है कि इसकी जॉब के साथ साथ इसका नसीब भी जल्द अज जल्द खोल दे। इसके फर्ज से फारे हो जाऊं तो सुख का सांस लूंगी मैं। अम्मी आप यहाँ भी शादी की बात लेकर बैठ गई, होनी होगी हो जाएगी ना अब ये। अरे बेटा ये तो हर माँ का पसंदीदा टॉपिक होता है। उल्फत हमारी बेटी बहुत प्यारी है, यकीनन अल्लाह ने इसकी नसीब भी बहुत प्यारे लिखे होंगे इंशाल्लाह। बलाखर इतने दिनों बाद तुम्हें माफी मांगने का ख्याल आ ही गया,
ये बात नहीं है चाचा, मेरी बिजनेस मीटिंग्स चल रही थीं, उसके अगले दिन ही मैं इस्लामाबाद चला गया था, अभी कल ही तो आया हूँ। माना कि तुम इस्लामाबाद चले गए थे, इसार तो यहीं था ना, उसे एहसास नहीं था कि उसने क्या बदतमीजी की। छोड़े चाचा, वो बच्चा है, जासिम और हिसार दोनों दोस्त हैं और आपस में तो ये सब चलता ही रहता है। अहमर वो दोस्त थे पहले, अब उनमें रिश्ता साले और बहनोई का है। बेहतर है कि इस रिश्ते के तकद्दस का ख्याल किया जाए। और वैसे भी हमने कसम नहीं उठाई हुई कि हर दफा अपने आप को बेइज्जत करवाएं। बैठो, चाय पी कर जाना, घर आए मेहमानों को जलील करना तुम्हारे घर का रिवाज है, मेरे घर का नहीं। चाय पी कर जाना। अहमर, खुदा के वास्ते बस भी कर दो। सिर्फ इसकी वजह से, इसकी वजह से मुझे चचा की इतनी बातें सुनने को मिली है। जी तो चातर लगाओ तो मैं। करो, क्या कर रहे हो भाई? आपको क्या हो गया? आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि चचा को मौका चाहिए बात का बतंगड़ बनाने का। एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो, जब तक अनाया की रुख्सती नहीं हो जाती, अपनी जबान और हाथ दोनों कंट्रोल में रखना। अहमद, मैं तो कहती हूँ जितना जल्दी हो उसकी रुख्सती कर दो, मेरा दिल डूबा जा रहा है, डर लग रहा है, पता नहीं आगे क्या हो। अम्मी आप अपना ब्लड प्रेशर हाई ना करें, मैं आज चचा का मूड चेक करने ही गया था, एक तो रोज में मैं उनसे भी बात करता हूँ। वैसे ये राया की यूनिवर्सिटी कब खत्म हो रही है? बस कुछ ही दिनों में इसके एग्जाम्स। यूनिवर्सिटी तो एक बहाना है, वरना इस तरह आखिर के दिनों में कौन जाता है यूनिवर्सिटी रोज रोज, वो भी नोट्स एक्सचेंज करने। समझा रही हूं तुम्हें, तुम्हारी बेहतरी इसी में कि तुम दूरी इख्तियार करो। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि मुझे आपके ऑफिस में इतनी अच्छी पोस्ट मिल गई है। थैंक यू सो मच आरिफ। यकीन क्यों नहीं आ रहा? आपकी सिफारिश इतनी ऊपर से आई थी। ये सब कुछ सिर्फ अंकल की वजह से हुआ है, वरना मेरी सीवी इतनी स्ट्रांग नहीं थी। नॉट एट ऑल, आपकी सीवी एक्चुअली में काफी स्ट्रांग थी, एंड आई एम श्योर कि आप हमें और हमारी कंपनी को मायूस नहीं करेंगे। मैं आपको कभी मायूस नहीं करूंगी आरिफ। थैंक यू। अरे अरे, आपकी चाय ठंडी हो गई, अभी गर्म करके लाती हूँ। नहीं नहीं, इट्स ऑल राइट। चाय गर्म ही अच्छी लगती है, मैं बस अभी लाई। अच्छी लड़की है ना? इसके आने से माशाल्लाह घर में रौनक हो गई है, अच्छी नेचर है इसकी। अच्छी बात है, आपको भी दिल लगा रहता है। पर वक्ती दिल लगने से क्या होता है। अच्छा खैर, तुम ये बताओ तुम्हें कैसी लगती है? अच्छी लड़की है, मतलब क्या मतलब कैसी लगती है, क्या कहना चाह रही हैं आप? तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं क्या पूछ रही हूं। ऐसी कोई बात नहीं है।
अनाया तुमने मेरा फोन देखा है? सुबह से नहीं मिल रहा है। नहीं भाभी मैंने तो नहीं देखा। अच्छा फोन मिलाओ ना अपने फोन से, क्या पता यहीं कहीं हो। भाभी ये मोबाइल रखा है, प्लीज आप खुद कर लें, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। सो मच आर्य, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मेरी ख्वाहिश पर आपने ना सिर्फ रिश्ते से पीछे हटे बल्कि मेरी खुशी को ट्रीट से सेलिब्रेट भी किया। दोस्त हो तो आप जैसा आर्य, थैंक यू। अच्छा तो यूनिवर्सिटी जाने के बहाने ट्रीट ली जा रही थी, वो भी रिश्ते से इनकार की। वाह अहमर की मासूम बहन। मिल गया। थैंक यू। वेलकम भाभी। आज कॉलेज से जल्दी छुट्टी हो गई थी तो सोचा मुमानी के घर चले जाऊं, मिल लूं उनसे, क्योंकि मुमानी तो घर आना गवारा नहीं करती। आने को तो बहुत दिल करता है लेकिन क्या करूं, सबीन का खफा रवैया मुझे शर्मिंदा कर देता है। मुमानी आप भी ना बिला वजह शर्मिंदा हो रही हैं, पर आंटी की खफगी तो मेरी समझ से बाहर है। आजकल कहाँ ऐसा होता है? ऐसा होता है भाई भतीजों पर सब बहनों को बहुत मान होता है, लेकिन आरिब ने एन टाइम पर जवाब देकर हम सबके सर झुका दिए। उमानी वैसे आपने आरिब से इनकार की वजह पूछी? मेरा मतलब है कि हो सकता है कि वो बेचारा किसी के कहने पे कुर्बानी का बकरा बन गया हो। क्या मतलब, मैं समझी नहीं। देखिए मुमानी आप मुझे बिल्कुल गलत मत समझिए, लेकिन मुझे एक बात पता चली है और तब से ना मेरा दिल बहुत बेचैन है। कोई ऐसे कैसे किसी की शराफत का नाजायज फायदा उठा सकता है? ये तो वही वाली बात हो गई ना कि किसी की खामोशी को उसकी पूरी जिंदगी की सजा बना दो। तुम कहना क्या चाह रही हो, खुलकर बात करो। आप पहले मुझसे वादा करें कि मेरा नाम हरगिज़ नहीं आएगा और मेरी फैमिली में तो आप बिल्कुल भी इस बात का जिक्र नहीं करेंगी, वरना आपको नहीं पता बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। पुमानी मुझे ना आपको एक वॉइस नोट सुनाना है। सुनिए। थैंक यू सो मच आर्य, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मेरी ख्वाहिश पर आपने ना सिर्फ रिश्ते से पीछे हटे बल्कि मेरी खुशी को ट्रीट से सेलिब्रेट भी किया। दोस्त हो तो आप जैसा आर्य, थैंक यू। हमारी जरा सी चुप ने अहमर के पांव तले जमीन खींच ली। देखो कैसा भागता हुआ आया हमारे पास।
क्या मतलब है बाबा? हेमर भाई आए थे आज? कैसे नहीं आता, उसकी बहन का जो मामला है। अरे वो तो मेरे पैर पड़ने को तैयार था। ये तो मेरी आला जरफी है कि मैंने कुछ नहीं किया। कोई और होता ना, उसकी नाक रगड़वा देता। क्या हो गया है बाबा? हिसार ने मुझसे बदतमीजी की थी, उसने बाद में मुझसे बात कर ली, खत्म हो गई ना बात। ऐसे कैसे खत्म हो गई? बहुत हो गई उनकी बादशाही, और बहुत झुक लिया हम, अब मजीद नहीं झुकेंगे। क्या मतलब है इस बात का? मतलब तो अब मैं बैठ के सोचूंगा कि मैंने कहां कहां क्या क्या निकालना है। तुम अनाया को पसंद करते थे, सो मैंने तुम्हारा निकाह करवा दिया। तुम्हारा मामला तो क्लियर हो गया ना। अब मैं ये बैठ के खुद फैसला करूंगा कि मैंने क्या करना है। पापा, पापा प्लीज, अभी मेरा सिर्फ निकाह हुआ है। आप कोई ऐसी बात मत कह दीजिएगा कि जिससे उन्हें बुरा लगे। जासिम, जासिम, तुम्हें तो मुझे अपना बेटा कहते हुए भी शर्म आती। दिल को मजबूत करो और सीखो कि दुनिया से अपना हक कैसे लेना है। अहमक इंसान, मिराल यू वर जस्ट एक्सलेंट। इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन दी आपने, आई एम आउट ऑफ वर्ड्स, यू वर सुपर्ब, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। मुझे एक और जरूरी बात करनी थी आपसे। आप जानती हैं हम लोगों के बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, व्हाई डोंट यू हैंडल अ फ्यू, अगर आप करना चाहें तो। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं कर सकती हूँ, देन व्हाई नॉट, मुझे क्या एतराज होगा। ग्रेट, आइए लेट्स डिस्कस इट देन। श्योर। भाई तू कहाँ है? कब से ढूंढ रहा हूं मैं तुझे, और फोन क्यों नहीं उठा रहे? क्या हो गया? मैं ऑफिस में हूं, इतने हाइपर क्यों हो रहे हो? अब ओ, 5 मिनट चाहिए अगर मिल जाए तो। ओके, मिराल ऐसा कीजिए, आप घर चले जाइए, फिर सुबह 10:30 की मीटिंग लाइनअप कर लें तो फिर वी विल डिस्कस इट। ठीक है, 12 बजे मुख्तार साहब की भी मीटिंग है। जी, थैंक यू। बैठने का बोल। बैठो, क्या हुआ है, इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? कौन थी है? तू क्यों पूछ रहा है? वैसे ही तेरे जैसे सड़ियल इंसान के साथ कभी इतनी डिसेंट लड़की नहीं देखी, तो कुछ हजम नहीं हो रहा था। कैसे आना हुआ? यार परेशान हूं पापा, पिछली बातों को भूलने को तैयार ही नहीं है। अहमर भाई ने आके एक्सक्यूज कर लिया, माजरत कर ली, हिसार की मुझसे बातचीत चल रही है, लेकिन पापा है कि कुछ भी भूलने को तैयार नहीं है। पता नहीं क्या चाहते हैं वो। क्या कह रहे हो? कहना क्या है, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं और क्या। अरे मेरा एक ही छोटा सा मासूम सा निकाह हुआ है, वो भी खतरे में पड़ गया। इसे इतना अचानक से निकाह कर लेना, ये इसका फैसला था? जिसका भी था, अब ये मसला नहीं है, अब इस निकाह को बचाना है। यार अहमर भाई को समझाओ, रुखसती में देर ना करें। मुझे बाहर से बहुत अच्छी जॉब ऑफर्स आ रही है, मैं नायक को लेके चला जाऊंगा, पीछे ये चचा भतीजा लड़े भिड़े जो करना है करें। यार करता हूं कुछ,
डोंट वरी। मैं सोच रही थी मिराल, अब माशाल्लाह से तुम्हारी अच्छी जॉब भी लग गई है, सैलरी भी अच्छी है, अब हमारा यहाँ रहना बनता नहीं है। क्यों क्यों नहीं बनता? अब हम क्यों इन लोगों पर बोझ बने? अब हम अपना घर अफोर्ड कर सकते हैं, और फिर यहाँ रह के मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। किसी दूसरे इलाके में जाऊंगी तो कुछ काम ही कर लूंगी। मेरी बात सुने, जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ने का सोचना चाहिए, ना कि पीछे पलट के देखने का। अब मैं जॉब कर रही हूँ ना, तो आपको कहीं काम करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, मैं कुछ नहीं करती, लेकिन बेटा यहाँ से चलो। फिलहाल तो हम कहीं नहीं जा रहे, बल्कि हम कभी भी कहीं नहीं जाएंगे। ये घर तो देखें, आसाइश है और कितनी सादी फैमिली है। अगर ये सब कुछ मेरे नसीब में आ जाए तो क्या ही हर्ज है। मीराल, औकात से बढ़कर ख्वाब अधूरे रह जाए ना तो बहुत तकलीफ देते हैं। ख्वाब अधूरे या पूरे सिर्फ किस्मत से होते हैं, और उन्हें पाने की जस्तजू बहरहाल खुद करनी पड़ती है। तो मुझे करने दे। मम्मी, आपने क्या एक ही रट लगाई है। मिराल मिराल मिराल, मुझे मुझे नहीं करनी मिराल से शादी, बल्कि मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी है। क्यों क्यों नहीं करने तुम्हें शादी? किस मतलब पर इसका रोग लगा लिया है तुमने? क्या मतलब है आपका? मतलब तुम अच्छी तरह जानते हो, किसी ने अपनी खुशियों का मीनार तुम्हारे कंधे पर चढ़कर बना लिया। अब तुम उसकी पूजा करोगे, उसे सजाओगे और अपनी जिंदगी के बारे में कभी नहीं सोचोगे, ऐसा ही है ना? अभी क्या बातें कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा है। किसी ने कुछ कहा है आपसे? मेरी कसम खाओ, मैं तुमसे जो पूछूंगी सच सच बताऊंगी। इस रिश्ते से इनकार तुमने अनाया के कहने पर किया था? मैं कुछ पूछ रही हूं तुमसे, जवाब दो। मैं आपके आगे हाथ छोड़ रहा हूं, इस बात को यहीं खत्म करते हैं। कैसे खत्म कर दूं? कैसे खत्म कर दूं मैं इस बात को? बजाय के सबीन अपनी बेटी को काबू में करती, उल्टा मेरे बेटे को बाप की नजरों में गिरा दिया। वहां अपनी बेटी की खुशियां मना रही है और हम यहां शर्मिंदा हूं। मेरा बेटा बदनाम हुआ, उसका दिल उछड़ा और कामयाब हो जाए वो। नहीं, प्लीज आप ये बातें किसी के सामने नहीं कहेंगी, आप मुझसे वादा करें। कहूंगी, बिल्कुल कहूंगी। अगर बर वक्त तुमने अपनी जिंदगी का फैसला ना लिया तो मैं सबके सामने चीख चीख कर बताऊंगी कि सच क्या है। ये क्यों लाए हो? अच्छी लगी मुझे, और देखो जच रही है तुम। अच्छा ठीक है, अब प्लीज तुम जाओ, अम्मी आ गई तो कहेंगे अभी तक गए नहीं हो तुम। कुछ नहीं कहेंगे आंटी, सब प्लान करके आया हूँ मैं। सनी, आप ही को लगता है मुझे तुम्हारी चूड़ी का साइज नहीं पता, इसलिए उन्होंने आंटी को बता दिया। तो अब अगर वो देख भी लेगी तो कुछ नहीं कह सकती। बहाने बनाना ना कोई तुमसे सीखे। वो तो है।
अस्सलामुअलैकुम आंटी, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ? तुम्हारा बहुत आना जाना लगा हुआ है यहाँ पे, कुछ दिन टिक कर नहीं बैठा जाता तुमसे? क्या आंटी, अब आप भी ताने देंगी? अच्छा चलें ठीक है, चार हो, खुदा हाफिज। ममानी है, ऐसे क्या देख रही हूँ? यही देख रही हूँ, तुमने अपना उल्लू सीधा करने के लिए मेरे बेटे को कैसे उल्लू बना दिया। तुम क्या समझती थी तुम्हारे झूठ पर पर्दा पड़ा रहेगा, सच किसी के सामने नहीं आएगा? कैसा सच? यही सच कि तुमने आरिब को इस रिश्ते से इनकार करने के लिए राजी किया था। बिल्कुल उसी तरह तुम उसे मिराल से शादी करने पर राजी करो, वरना मैं सबीन को यह सब कुछ उसी तरह बता दूंगी जिस तरह उसने मुझे और तुम्हारे मामू को जलील करके कहा था कि मेरा बेटा नाफरमान है। खैर, मैं सबीन को देखूं, सुना है उसकी तबीयत ठीक नहीं। वैसे मुर्तजा, ये क्या किया तुमने? अपने बेटे का निकाह वहीं करवा दिया जहां तुम्हारी बेटी की बात खत्म हुई। तो क्या करता, बेटा जो हाथों से निकला जा रहा था। हाँ कह तो तुम ठीक रहे हो, आजकल की औलाद कहां सुनती। ऐसे एक बात है, अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। तुम कह रहे थे ना कि तुम्हारे और तुम्हारे भतीजों के बीच में कुछ जायदाद के मामले में अनबन चल रही है। हाँ, उन लोगों ने थोड़ी थोड़ी अदायगी करके मेरी तमाम चीजें खरीद ली। हालांकि ये कारोबार मेरे वालिद साहब का सेट किया हुआ था, वो लोग बड़े थे इसलिए सारे कारोबार पे काबिज हो गए। बस यही मौका है, तुम एक शर्त रख दो कि तुम अपने बेटे की बारात उस वक्त लेके जाओगे जब तुम्हारे हिस्से की जायदाद तुम्हारे बेटे के नाम कर देंगे। वो तुमने सुना है ना, टेढ़ी उंगली से घी निकालना, बस समझ लो यही वक्त है उंगली टेढ़ी करने का। सिर्फ एक छोटा सा राज भी आपसे संभाला नहीं गया, फौरन बता दिया ना मुमानी को। तुम्हें क्या लगता है अम्मी को मैंने बताया? और कौन बताएगा, हम तीनों के अलावा पता किसे थी ये बात? ऊपर से जासिम तो किसी को बताने से रहा। मानता हूँ तुम जासिम को पसंद करती हो लेकिन उस पे एतबार भी नहीं करती। एतबार ही किया था आप पर। खैर किसी भी तरह लीक तो हो ही गई है ना। अब इससे पहले कि ये मामला अहमद भाई या अम्मी तक पहुंचे, आप मेरी बात मान लेना प्लीज, मेरा मान रख लें, प्लीज मेरा कहना मान लें। क्या चाहती हूँ? वही जो मुमानी कह रही हैं, मैं ना मिराल से मिली थी, कोई बुराई नहीं है उसमें, बहुत अच्छी लड़की है, प्लीज। सोचूंगा। ओके बाय। मैं ना इसी उम्मीद के साथ वापस जा रही हूँ कि आप अम्मी और भाई के सामने मुझे रुसवा होने नहीं देंगे। वादा करें मुझसे, अभी के अभी वादा करें। वादा, वादा करता हूं जिंदगी में तुम्हें कभी रुसवा नहीं होने दूंगा। थैंक यू।
चलें अब उठें। कहाँ? हुमानी से मिलने। तुम मिलो, मैं आता हूँ। आ जाना। आ रहा हूँ। मैं ना इसी उम्मीद के साथ वापस जा रही हूँ कि आप अम्मी और भाई के सामने मुझे रुसवा होने नहीं देंगे। प्रॉमिस करें मुझे, अभी के अभी प्रॉमिस करें। अनाया, मुझे गलत मत समझना, मैं दिल की बुरी नहीं हूं, लेकिन मां हूं और मां अपनी औलाद की खुशी के लिए बुरी भी बनने को तैयार रहती। जानती हूं मुमानी, मैं चाहती हूं कि तुम्हारी शादी से पहले आरिफ शादी के लिए राजी हो जाए, क्योंकि तुम्हारी शादी के बाद ना तो तुम किसी के प्रेशर में आओगी और ना ही आरिफ मानेगा। क्यों मुमानी? क्योंकि वो तुम्हारी बदनामी सह नहीं सकता, तुमसे बहुत प्यार करता है। मुझे आरिफ ने कुछ नहीं बताया, इनकार की हकीकत जानने के बाद मुझे उसके दिल के हाल का पता चला। ठीक है, तुम उसके नसीब में नहीं थी, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत मैं उसके दिल में रोग की तरह नहीं पाल सकती। ये अनाया थी ना? हाँ बेटी। एकदम से क्यों चली गई? आरिफ से कोई काम था, हो गया तो चली गई। तुम कहाँ रहती हो? जब से ऑफिस जाने लगी हो मुझे दिखाई नहीं देती। चलो आओ मेरे पास बैठो। कैसा चल रहा है ऑफिस में काम? बस वर्कलोड थोड़ा ज्यादा है, लेकिन अच्छा चल रहा है और आरिफ मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रख रहे हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मुझे आरिफ ने कुछ नहीं बताया, इनकार की हकीकत जानने के बाद मुझे उसके दिल के हाल का पता चला। सिर्फ तुमसे ये कहना चाहता हूं कि अगर कभी तुम्हें लगे कि तुमने जल्दबाजी में आके कोई फैसला किया तो मैं तुम्हें तुम्हारे इर्द गिर्द ही मिलूंगा। बाकी तुम परेशान मत हो, मैं कर दूंगा इनकार। आप इतने अच्छे से जो समझते हैं मुझे और मेरे टेस्ट को, और ये गिफ्ट भी बिल्कुल तुम्हारे टेस्ट के मुताबिक ही है। जाओ खुश रहो सारी जिंदगी। मेरा दिमाग खराब नहीं है कि मैं आरिफ के लिए उल्फत से मिलाल का हाथ मांगू? अपने बेटे को भूल गई? आपको जलील करने में कोई कसर नहीं उठा रखी उसने। आप पुरानी बातें छोड़ें, मुझे यकीन है कि यहाँ वो मान जाएगा। मुझे तुम्हारा यकीन नहीं, तुम्हारे बेटे का चाहिए। अम्मी, आप उल्फत आंटी से मिलाल के लिए मेरी बात कर लें, मुझे कोई इतराज नहीं है। जासिम इधर आओ। किधर जा रहे हो?
जी वो अनाया से नोट्स लेने हैं तो वहाँ जा रहा था। खैरियत, आप क्यों पूछ रहे हैं बाबा? तो ये तो अच्छा है कि तुम वहाँ जा रहे हो, मुझे भी उनसे काम है, बैठो बताता हूँ। जासिम, आरिफ तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है और एक अच्छा इंसान भी है। तुम्हें उसे देखकर अपनी बहन के लिए रिश्तेदारी बढ़ाने का ख्याल नहीं आ रहा? बाबा, आरिफ छोटा है सनी आप ही से। दो चार साल का फर्क है, ये फर्क चलता है खानदानों में, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन फिर भी, और वैसे भी मैं इस सिलसिले में क्या कर सकता हूँ? तुम ही कर सकते हो। वो सबीन भाभी का भतीजा है, वो चाहे तो अपने भाई भाभी को इस रिश्ते के लिए राजी कर सकती है, और ये काम सबीन भाभी के साथ सिर्फ तुम ही कर सकते हो। मुझे ये मुनासिब नहीं लग रहा बाबा। तुम्हें अपना निकाह पढ़वाना मुनासिब लग रहा था और बहन के लिए बात करना मुनासिब नहीं लग रहा? अच्छा ठीक है, आप गुस्सा नहीं करें, मैं कोई मुनासिब वक्त देखकर ताईजान से बात करता हूँ। ठीक है, उनको ये बता देना कि सनिया की शादी तुम्हारी शादी के साथ ही होगी, और जितनी जल्दी हो सके ये काम कर लें। कैसे